अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चाचा के अंदर करंट तो है। क्या मामला हुआ है, क्या बात है? हमारे एक किसान का कोतवाली देहात से आए थे, नगीना SDM से कुछ मामला था। उसके लिए हम लोग 7-8 लोग DM साहब से मिलने के लिए गए, और DM साहब से जैसे अंदर मिलने के लिए गए तो बैठे बैठने के तुरंत बाद में उन्होंने बहस करनी स्टार्ट कर दी कि इतने लोग आप अंदर नहीं आ सकते। और जिस तरीके से हमारे सारे मतलब वरिष्ठ पदाधिकारी, आज बिजनौर के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी वहाँ गए थे अंदर मिलने के लिए, और जिस तरीके से इनका व्यवहार है, और कहा गया कि भाई जिलाध्यक्ष को, इसे जिलाध्यक्ष को अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो अभी, और उसे गिरफ्तार करने के लिए सीधे कहा गया कि गिरफ्तार करो। तो हमने कहा भाई गिरफ्तारी अंदर केबिन में, जब तुम्हारे 8 आदमी नहीं बर्दाश्त हो रहे थे तो ज़्यादा आदमी कैसे बर्दाश्त होंगे, तो भाई बाहर ही बैठ गए, और तुम गिरफ्तारी मान के हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हम उठने भी नहीं, जब तक कहीं ना कहीं इनकी जो दिमाग का अहंकार है अफसरशाही, वो निकलने का नहीं। जब देश के अन्नदाता के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, हम नेतृत्व करने के लिए भाई जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिम्मेदार लोग, सारे जिम्मेदार बिजनौर के लोग वहाँ इकट्ठा थे, तो इस तरीके से अगर हमसे व्यवहार ऐसा होगा तो आम किसान के साथ कैसा व्यवहार होगा इनका? आपका साथ जो हुआ है पहले भी ऐसा हुआ है या फिर नहीं? फर्स्ट टाइम, पहली बार सोची समझी साजिश है जिस तरीके से ये। मेरा नाम बाबूराम तोमर है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत में मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष हूँ। आज अगर हमारे जिलाध्यक्ष को DM अपने कार्यालय से गिरफ्तार करा कर अपने कांस्टेबल से, और वो 2 कांस्टेबल पकड़ कर बाहर लाते हो, हम तो 10 आदमी हैं जो हम अपने के लिए लड़ रहे हैं, और पूरा जिला, पूरा देश किसान के लिए लड़ेगा। हमारे किसानों का जिलाध्यक्ष DM है बिजनौर का, हम अगर कमिश्नर नहीं है तो ये भी, इनका भी कोई कमिश्नर नहीं है। अगर हमारा जिलाध्यक्ष DM नहीं है तो ये भी DM नहीं है। अगर इस तरह से व्यवहार होगा, बात कर रहे हैं, बात की जाए, अगर 8 लोग चले गए उनके केबिन में, क्या फ़र्क पड़ रहा था? मैं तो जब तक आया भी नहीं, थोड़ा लेट हो गया, उसके बाद आए तो ये सारा प्रकरण सामने आया। तो यहाँ किसान कमज़ोर नहीं है। अगर ये चाहें कि किसानों में आग लगाई जाएगी जिले में, अगर ये खुद ही आग लगाना चाहते हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका काम है शांति रखने का, ये शांति व्यवस्था बनाए, ये शांति व्यवस्था नहीं बना रहे, अपनी जिम्मेदारी होते हैं, हम शांति व्यवस्था के साथ अपना काम कर रहे हैं और बैठ कर रणनीति बना रहे हैं। राकेश टिकैत जी को भी बता दिया गया है, अपने जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी, अपने किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लड़ाई लड़ी जाएगी और ज़ोरदार लड़ी जाएगी। अभी बैठ कर निर्णय ले रहे हैं क्या होता है, हो सकता है जिले के गांव-गांव सड़क जाम करें या जेल भरो आंदोलन करें, बैठ कर रणनीति होगी, शाम तक क्या होता है अभी और थोड़ी देर में बताया जाएगा।